हेलो डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस को समझाने के लिए हमने चार पार्ट में वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट वन। पार्ट वन में हमने कंसेप्ट और फॉर्मूले समझाया है प्रिंसिपल स्ट्रेस का। प्रिंसिपल स्ट्रेस समझ लेते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस होता क्या है। प्रिंसिपल स्ट्रेस ये कोई एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। इस पर एक्स डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लग रहा है, वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लग रहा है और शियर स्ट्रेस भी लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस को समझने से पहले समझ लेते हैं प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। तो ऐसा प्लेन जिस पे शियर स्ट्रेस जीरो हो, उस प्लेन को बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन, और उसके कोरस्पोंडिंग जो स्ट्रेस लगता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रिंसिपल प्लेन है, ये अपना प्रिंसिपल प्लेन है। तो ऐसा प्लेन जिस पे शियर स्ट्रेस जीरो हो, ये जो प्लेन है इस पे शियर स्ट्रेस जीरो नहीं है, ये भी प्लेन पे जीरो नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्लेन हमने लिया है जिस पे शियर स्ट्रेस क्या होता है जीरो होगा, तो वो उसके कोरस्पोंडिंग जो स्ट्रेस लगेगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। तो एंगल ये थीटा पे इंक्लाइंड है, ये जो प्लेन है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। क्योंकि ये थीटा इंक्लाइंड है, इसलिए इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कहलाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, और उसके जो पैरेलल में जनरेट होगा उसको बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस, और उसको शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस समझ में आ गया होगा। अब ये नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस का अगर फॉर्मूला हम जान लेते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इसे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना रहता है, और एक रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड आउट करना रहता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या है, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला स्ट्रेस सिग्मा एक्स, और वाई डायरेक्शन में लगने वाला स्ट्रेस सिग्मा वाई। ठीक है, तो सिग्मा एक्स इजकल टू नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। और शियर स्ट्रेस जिसको हम टेंडेंशियल स्ट्रेस बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा अपॉन टू साइन टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। ये दोनों फार्मूला अगर हम याद कर लेते हैं तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो भी इसका केस बनेगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस में हम चार केस पढ़ते हैं, वो सारे केसेस में जो फार्मूले बनेंगे इसी से जनरेट होंगे, इसी दोनों फार्मूले से जनरेट होंगे। और रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस होता है अंडर रूट नॉर्मल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे तो वो रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा साइन का लफड़ा रहता है, इसमें जो ये दोनों डायरेक्शन में जो है टेंसाइल नेचर का है तो ये फार्मूला परफेक्ट है। अगर ये कंप्रेसिव नेचर का हो जाए दोनों, या एक कंप्रेसिव नेचर का हो जाए एक टेंसाइल नेचर का हो जाए, तो कंप्रेसिव हो तो अपने को क्या ले लेना है, माइनस ले लेना है। जैसे वाई अगर कंप्रेसिव नेचर का है तो माइनस सिग्मा वाई लेना है यहाँ पे, अगर एक्स है एक्स भी कंप्रेसिव नेचर का है तो माइनस सिग्मा एक्स लेना है, अगर दोनों टेंसाइल है तो प्लस में लेना है। यहाँ पे भी जैसे सिग्मा वाई अगर माइनस लेंगे तो माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका थोड़ा साइन का ध्यान रखेंगे इसमें। अब एक चीज़ होती है, ये तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का फार्मूला हमने पढ़ लिया, इसको याद रखना है दोनों को, ये दोनों फार्मूला याद रखना इजी है, याद करना दोनों को ऐड करके डिवाइड टू करना है, फिर दोनों को माइनस करके डिवाइड टू करना है, और इसके साथ कॉस थीटा होगा, बाद में क्या होगा साइन टू थीटा होगा, इसमें टू थीटा हमेशा होता है, कॉस टू थीटा होता है, ये ध्यान रखना है इसमें। और टेंडेंशियल में क्या होगा, ये माइनस वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन इसके साथ जो कॉस है इसका ये साइन आ जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान देना है। और बाकी यहाँ पे अगर उल्टा हो जाता है थोड़ा सा, यहाँ देख ध्यान देना है, याद करना है इसको। अब इसमें एक चीज़ होता है, अगर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम वैल्यू देता है तो वो होता है प्रिंसिपल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस।
अगर ये नॉर्मल स्ट्रेस मिनिमम वैल्यू देता है, नॉर्मल स्ट्रेस का मिनिमम वैल्यू क्या कहलाता है, माइनर या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस से, नॉर्मल स्ट्रेस अगर मैक्सिमम वैल्यू देता है तो वो क्या होता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर नॉर्मल स्ट्रेस मिनिमम वैल्यू देता है तो क्या होता है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो उसका फॉर्मूला चेंज होगा, हो जाएगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का। तो आगे देखते हैं अगले स्लाइड में उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो वो कैलकुलेट कर कैसे करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में और इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो वो वैल्यू क्या आता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल स्ट्रेस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द सिग्मा एन मस्ट बी ऑब्टेन डिफ्रेंशिएटिंग सिग्मा एन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इन इक्वेशन वन। पीछे जो हमने लिखा है इक्वेशन वन, इसको हम मेन फार्मूला नाम दे रहे हैं। ये दोनों क्या हो गया, मेन फार्मूला होगा, कोई भी इसमें फार्मूला जनरेट होगा तो इसी दोनों से होगा। ये अपना मेन फार्मूला, तो ये मेन फार्मूला, ये सिग्मा एन जो नॉर्मल स्ट्रेस है, इसको हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, सिग्मा वन और सिग्मा टू मिलेगा। सिग्मा वन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है और सिग्मा टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है। इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू प्लस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का सिग्मा वाई अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, सियर स्ट्रेस है। सिग्मा टू में क्या हो जाएगा, मीन मेजर में प्लस होता है और माइनर में माइनस होता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सब सेम होगा। अगर ओब्लिक प्लेन का अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, प्रिंसिपल स्ट्रेस का एंगल पूछ ले कि ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उसके लिए फार्मूला टेन टू थीटा यूज कर लेंगे। टेन टू टू थीटा इजकल टू टाउ एक्स वाई अपॉन टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा केस है अपने पास टू मूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन सिस्टम। इसमें क्या है कि एक प्रिंसिपल प्लेन है और इस ये जो एलिमेंट है इस पे दोनों डायरेक्शन में केवल फोर्स लग रहा है, सीयर स्ट्रेस इस सरफेस पे नहीं लग रहा है। तो सीयर स्ट्रेस इस सरफेस पे नहीं लग रहा है तो इसका नॉर्मल स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेस का क्या फार्मूला हो जाएगा, टेंडेंशियल स्ट्रेस का क्या फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। इसमें क्या नेगलेक्ट, जो मेन फार्मूला है उसमें से अपने को क्या कर लेना है, सीयर वाले पार्ट को नेगलेक्ट कर लेना। तो सीयर वाला पार्ट अपना क्या है, ये सीयर वाला पार्ट है सीयर स्ट्रेस का, ये जो सीयर स्ट्रेस इस सरफेस पे लग रहा था तो वो इसमें कंसीडर हुआ था, लेकिन उसमें केस क्या है, ये नहीं लग रहा है, उसमें केवल दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो उसमें ये दोनों पार्ट को डिलीट कर देंगे तो अपना फार्मूला इतना ही बचेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होता है, रूट अंडर नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस टेंडेंशियल स्ट्रेस का स्क्वायर, तो इसे रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या है, केवल इसमें सीयर स्ट्रेस लग रहा है सरफेस पे, सीयर स्ट्रेस लग रहा है, तो इसमें प्रिंसिपल प्लेन जो है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसमें नॉर्मल स्ट्रेस और टेंडेंशियल स्ट्रेस का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो वही मेन फार्मूला में जाएंगे और उसमें जो एक्स और वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसको जीरो कर देंगे, मतलब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जीरो हो जाएगा उस फार्मूले में, तो बचेगा क्या अपने पास, यही बचेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ये जीरो हो जाएगा, तो ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, इसमें भी इतना पार्ट जीरो हो जाएगा, अपने क्या बचेगा, ये बचेगा। तो ओनली सीयर के केस में नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला ये हो जाएगा और टेंडेंशियल स्ट्रेस का फार्मूला ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों। ठीक है, और यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, टाउ विल बी जीरो व्हेन थीटा प्लस माइनस 45 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 45 डिग्री रखते हैं इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, टाउ का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगला केस है अपने पास नेक्स्ट केस है, इसमें क्या है, केवल एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है। जब एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है तो एक ऐसा प्रिंसिपल प्लेन है जहाँ पे सीयर स्ट्रेस जीरो होगा, तो इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और टेंडेंशियल स्ट्रेस दो कंपोनेंट होंगे, तो इसके फार्मूले क्या हो जाएंगे, इसके फार्मूले फिर मेन फार्मूला में जाएंगे और इसमें
केवल इसको कंसीडर करेंगे, बाकी सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई को जीरो कर देंगे वहाँ पे। तो अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा अपने पास, ये बचेगा। मेन फार्मूला देखते हैं, मेन फार्मूला में क्या है, सिग्मा वाई और ये पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, सिग्मा एक्स अपॉन टू कॉस थीटा इसके साथ आएगा, और इसमें सिग्मा एक्स अपॉन टू साइन टू थीटा आएगा। सिग्मा वाई तो जीरो हो जाएगा इसमें, और ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमने लिखा है, सिग्मा एक्स अपॉन टू प्लस सिग्मा एक्स अपॉन टू का, और इसके साथ क्या आ जाएगा, कॉस टू थीटा, ठीक है। और दोनों में से हमने कॉमन ले लिया सिग्मा एक्स अपॉन टू, तो वन प्लस कॉस टू थीटा, और वन कॉस टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। और सिग्मा एक्स अपॉन टू और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा, और एक और कॉस थीटा अपने पहले से है, तो क्या हो गया अपने पास, टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स केवल बचेगा, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। और शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेंडेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन टू साइन टू थीटा, ठीक है। और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा टाउ का होल स्क्वायर, नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस शियर स्ट्रेस का स्क्वायर को अंडर रूट करेंगे तो रिजल्टेंट अपने को फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ ले क्वेश्चन में, तो उस वो क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो अपने पास प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन और सिग्मा टू हमने पीछे देखा था, यहाँ पे यहाँ पे सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वन और सिग्मा टू, ये क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर मेजर शियर स्ट्रेस क्वेश्चन में पूछता है, मतलब टाउ मैक्स पूछा जाए, तो क्या होता है वो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा टू अपॉन टू, ठीक है। दोनों को डिफरेंस करके हाफ कर देंगे तो टाउ मैक्स हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।